अतिक्रमण बोल रहे हैं इसको, मतलब यही ऐसे ही पड़ता है। अच्छा, आज एक बैग रखा, कल वो रखा, वहाँ से कुछ चले गए। इसको पूरी तरीके से ना ढहा दिया गया है पूरा, और वो रेस्टोरेंट शिफ्ट हो गया है। इतना पूरा अतिक्रमण कर रखा था यहाँ पर। पक्ष में तो नहीं है, आप विरोध कर रहे हैं या आप पक्ष में हैं? मैं तो विरोधी में। विरोध में है आप? किस टाइम अतिक्रमण पूरे हिंदुस्तान में थोड़े दिन थोड़ा दो तीन दिन आदमी बैठे रहता है, फिर सही है लगा लो, इधर हटाया दिन सही रहा, उधर हटा रहे हैं। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है वो भी अतिक्रमण के खिलाफ ही है। अभी मैं हूँ यहाँ पर उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और हल्द्वानी शहर के मैं कुसुम खेड़ा चौराहे से थोड़ा सा उधर का ऊँचा पुल और कुसुम खेड़ा चौराहे के बीच में हूँ। तो यहाँ पर ना अभी अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, ज़ोर शोर से चल रहा है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने जो स्टेट बैंक है और स्टेट बैंक का ATM भी है, इधर को आ जाता है ऊँचा पुल और यहाँ सामने है कुसुम खेड़ा। तो अभी मैं यहाँ से अतिक्रमण जो हटाओ अभियान चल रहा है नगर निगम का, यहाँ भी बहुत तगड़ी कार्रवाई हो रही है, और यहाँ पर से मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या टूटा है और क्या क्या टूटना बाकी है, कहाँ तक टूटा है। अगर आप वीडियो में नए वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चलते हैं। तो अभी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये उधर को ऊँचा पुल वाला क्षेत्र है और यहाँ पर एक पार्टी लॉन था। आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से पार्टी लॉन है, इसको पूरी तरीके से ना ढहा दिया गया है पूरा। यहाँ तक नीचे तक था ये, जो आप ये एरिया देख रहे हैं ये यहाँ तक था, तो इसको ना तोड़ दिया गया है। ये देखो, ये खुद नहीं तोड़ा है, नगर निगम ने तोड़ा है और ये हटाने के लिए बोला हुआ है। इसका जो टीन का जो छाप था ना, ये पूरा हटा दिया गया है यहाँ से। तो अभी आगे को चलते हैं, यहाँ तक ये पूरा अतिक्रमण था, पूरा गार्डन बनाया था तो ये तोड़ दिया है। तो यहाँ से पूछेंगे ये कब तोड़ा। नमस्कार भैया, ये कब तोड़ा सर? ये खुद तोड़ा या नगर निगम ने तोड़ा? खुद तोड़ा है। अच्छा अच्छा कहाँ तक है ये? अंदर तक पूरा जाप बना हुआ था क्या ये? अच्छा अच्छा पूरा, मतलब इसके अंदर क्या था? रेस्टोरेंट बना रखा था। अच्छा अच्छा अभी कहाँ शिफ्ट हुआ ये? ये तो हुआ बरेली रोड। अच्छा 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 तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था और वो रेस्टोरेंट शिफ्ट हो गया है। इतना पूरा अतिक्रमण कर रखा था, यहाँ पर रेस्टोरेंट चला रखा था। और आगे को अभी चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ पर क्या क्या टूटा है। तो गाइस अभी मैं हूँ यहाँ पर कुसुम खेड़ा चौराहे पे, ये नीचे RTO ऑफिस को रोड जाती है और ये जाती है ऊँचा पुल को। तो ये चौराहा जो है ना काफ़ी व्यस्त रहता है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। तो ये ना चौड़ा हो रहा है यहाँ पर सारा, यहाँ पर जो भी अतिक्रमण है सब हटाया जाएगा पीछे से, और यहाँ से भी ये पीछे तक मार्किंग लगी हुई है, ये दुकानें भी लगभग जाएंगी, आगे का जो झाप उगरा है वो जाएगा और वो साइड ये पेड़ भी हटेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से कार्रवाई होगी। और यहाँ का ज़रा अंकल को पूछते हैं यहाँ पर क्या कार्रवाई है। नमस्कार सर, यहाँ पर भी हटा रहे हैं क्या? निशान लगे हैं ये जो यहाँ पर चौड़ा हो रहा है ये अतिक्रमण के खिलाफ, तो यहाँ निशान कहाँ तक लगे हैं, नापे गए हैं कुछ? इस साइड में तो आगे नापा है। अच्छा अच्छा यहाँ को नहीं नापा, यहाँ बोल रहे थे कि अंदर को करेंगे, यहाँ मना तो कर दिया था। अच्छा अच्छा इधर को नहीं करेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये अतिक्रमण हट रहा है, जिस तरीके से लोगों ने वहाँ पर बड़ा रेस्टोरेंट खोला था और यहाँ पर देखो किसी ने जनरेटर रखा है बड़ा बड़ा, वो सब हटा रहे हैं, तो आप इसके पक्ष में? पक्ष में तो नहीं है। आप विरोध कर रहे हैं या आप पक्ष में हैं? मैं तो विरोधी में। विरोध में है आप? किस चीज़ का विरोध है आपका? विरोध वही कि मतलब अगर ये होना था तो पहले कर देते, मतलब हटना नहीं चाहिए रहने का। अच्छा, आपका कहने मतलब कि निर्माण से पहले कर देना चाहिए था, इतना तो अभी जरूरत तो अभी है तो अभी करेंगे ना? जरूरत है सर, अब जरूरत तो सबको है, जो इतने बेरोजगार हो जाएंगे, जितनी की बिल्डिंग फीस हुई है तो उनका क्या होगा। तो आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये इस तरह से कार्रवाई ना हो, तो आप चाह क्या रहे हैं? चाह तो यही रहे सर कि मतलब रोड चौड़ीकरण का हो रहा है, तो अगर फ्लाई ओवर बनता है तो तब तो अलग चीज़ है। इतनी रोड तो यहाँ पर चौराहे पे ऑलरेडी चौड़ी है, तो फ्लाई ओवर तब बनेगा जब नीचे जगह होगी ना। फ्लाई ओवर की तो सर इतनी चौड़ीकरण तो है ही है, या तो फिर मार्केट साफ होगी ना पूरी, यहाँ से लेके लामा चौड़ तक साफ हो रही है, यहाँ से लेके काला ढूंगी तक चौड़ हो रही है, कितने बेरोजगार हो जाएंगे, कितनों का नुकसान हो जाएगा और उनकी संपत्ति जाएगी लोगों की। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। सरकार गला घोटती है। अरे नहीं डर क्यों रहे आप, नीचे करें कुछ नहीं होता है। नहीं, नहीं, नहीं। तो आपकी कौन सी ये दुकान है?
कौन सी दुकान है आपकी? हमारी वो आगे आगे है ना। हाँ। तो आप डर क्यों रहे हैं? क्या हो गया? चौड़ीकरण हो रहा है, बढ़िया तो हो रहा है, क्यों आप इतना बढ़िया काम हो रहा है? देखो आपको चौड़ा चौड़ा हो जाएगा, गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी, बढ़िया तो नहीं होगा यहाँ पर? बताइए, कस्टमर आएंगे, सेल बढ़ेगी, समझ रहे हैं? और ये भीड़ भाड़ नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होंगे? एक्सीडेंट तो हमारे कारण होते हैं ना भाई सब, बाकी दूसरे कारण होते हैं। मतलब आप कंजेशन जगह रहेंगे तो फिर रोडों के कारण, देखो आप अभी अभी कोई अगर खड़ा हो जाए यहाँ पे तो जाम लगेगा, और उससे पहले कोई जाम नहीं लगेगा, आप भी देखो ना। और दूसरी बात, एक चीज मैं आपको बताऊँ, आप लाइव चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। नहीं, लाइव नहीं है, ये लाइव नहीं है, मैं आपको यही पूछ रहा हूँ कि मैं आपको पर्सनल सवाल नहीं कर रहा हूँ। जिस तरह से यहाँ पर सरकार हल्द्वानी में, पूरे हल्द्वानी शहर में अतिक्रमण अभियान चला रही है, और जितने भी चौराहे हैं चौड़ा कर रही है, और जहाँ पर भी नजूल भूमि है उसको कब्जा कर रही है, और जहाँ पर भी सरकार की ज़रूरत है कॉम्प्रोमाइज़ करके ले रही है, तो ये काम सही कर रही है गलत कर रही है, इतना बताइए आप। सर, बसाया किसने है? सरकार ने तो बसाया, आदमी खुद बसा ना? ना, खुद नहीं बसा, सरकार ने ही बसा। क्या सरकार ने आँखें बंद कर दी थी क्या? नहीं करी ना। उसी टाइम वो कार्रवाई होती तो आज के कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होती, पहली बात। और दूसरी बात, इसको बाईपास निकालना चाहिए। बाईपास कभी भी शहर के अंदर से हाईवे नहीं जाता है, शहर के बाहर से ही बाईपास होता है, वो निकालना चाहिए। मतलब सबकी राय, सबका साथ, सबका विकास, ये नारा था मोदी जी का, मगर 2024 के बाद जनता बहुत परेशान होगी, ये हमें पता है। बस अच्छा, तो आप ये जो अतिक्रमण हो रहा है इसके खिलाफ है? ना, खिलाफ भी नहीं, हम खिलाफ नहीं है। तो बीच में है आप? हम बीच मजदार में, इन दोनों का सोल्यूशन निकलना चाहिए, क्योंकि तो आप ही बताइए सोल्यूशन क्या होना चाहिए। सोल्यूशन ये होना चाहिए कि जो बाईपास हमारा पास हुआ था, ये नीचे जंगल जंगली, वो बाईपास पूरा निकलना चाहिए, उसमें किसी को नुकसान नहीं होगा, ये हमारा सोल्यूशन है बस। चलो धन्यवाद सर। सब व्यापारी अपने पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं सर ना, पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे उस सरकार का, ये तो बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने ये क्यों ले रखा है? ये तो ये जैसा आपने बैग भी ले रखा है, दुकान वहाँ है कह रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे झाड़ू मारने आए हैं सर। अच्छा अच्छा, झाड़ू मारने वाले हैं। धन्यवाद सर। आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? सर, ये जो अतिक्रमण चल रहा है आपके सामने, जो दिखाई दे रहा है तोड़ फोड़, उसके बारे में कुछ कहेंगे? पूरे शहर में हो रहा है, रोड चौड़ी हो रहा है, तो आप लाभ है या फिर आप कुछ मत रखना चाहेंगे? सही है, सही है, मतलब जिस तरह से वहाँ पर पूरा रेस्टोरेंट खोल दिया था, बाद में कहते हैं हमने ये कर दिया, हम जगह तो एक तो सरकारी जमीन पे आप अवैध कब्जा करें, ऊपर से कहो कि हमें शिफ्ट करो, जगह दो बनाने की, किस बात का भाई? लोग एक ही पे कह रहे हैं कि पहले बसाया क्यों नहीं, बसाना चाहिए, सरकार ने बसाया, ऐसा कहना है लोगों का? सरकार ने नहीं बसाया, कहीं पर लिखित है उनके पास, तो प्रशासन में जो बैठे हैं उनकी अनदेखी के कारण ही करते हैं। मतलब सरकार ने ढील दे दिया, मतलब सरकार मतलब देखा नहीं है, मतलब जो बसते गए कुछ बोले नहीं, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वो आग बन किए रहे, हो गए अब तो आग समस्या आ रही, काम जनता के लिए तो होना चाहिए, होना चाहिए, विकास होना चाहिए, बिल्कुल विकास की। तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ साइड से रोड निकाला जाए, रिंग रोड निकाला जाए, बाईपास करा जाए, इस पर क्या कहेंगे आप? कहने को तो हर कोई ज़्यादा, इतना पैसा कौन देगा? अच्छा, मैं बाईपास निकाला जाए जो शहर की जाम की स्थिति, वो तो निजात नहीं मिलेगी ना? जाम तो जाम ही रहेगा, आज जहाँ दिया है कल वो और आगे आ जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप सहमत हैं इस बात से? अतिक्रमण हटना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो आप ये जो ये अतिक्रमण बोल रहे हैं इसको, मतलब यही ऐसे ही बढ़ता है? अच्छा अच्छा, आज एक बैग रखा, कल वो रखा, वहाँ से कुछ चले तो होता है। चलो ठीक है सर, मैं प्रशासन से ही रिटायर हुआ, 50 साल यूपी रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट में थे सर? अरे जिलाधिकारी कार्यालय में थे। अच्छा 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 अच्छा, यूपी पूरा घुमा है। वो समय यूपी अलग था, आज अलग है, यूपी घुमाया है, आज थोड़ा यहाँ से साफ करा, दूसरे दिन फिर आ गए। हमारे कचहरी के बाहर ही वो फिर डी एम आया था, दक्षिणी वाले के एम राव, स्थाई हल स्थाई खम्भे गाड़ो, यहाँ लोहे की जंजीरें बांधी हुई, आपको ही नहीं आएगी। अतिक्रमण पूरे हिंदुस्तान में,
थोड़े ने तोड़ा, दो तीन दिन आदमी बैठे रहता है, महीना सही है, फिर लगा लो। इधर हटाया, जिस दिन सही रहा उधर हटा रहे हैं, फिर इधर बची। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो गाइस अभी ये कुसुम खेड़ा चौराह है, यहाँ से मैंने वीडियो बनाया। किस तरह से यहाँ पर लोगों का कहना है, लोगों का किसी का कहना है कि नहीं होना चाहिए, कोई विरोध कर रहा है, मगर ज़्यादातर लोग यहाँ पर विरोध नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना व्यस्त चौराहा है पीछे को, और दुकानें भी हैं, और कुछ यहाँ पर टूट भी गया, कुछ टूटना बाकी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी नई जानकारी के साथ फिर से मैं हाजिर होता हूँ, और अभी कुसुम खेड़ा चौराहे से वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहे आप मेरे चैनल।